बिहार विधानसभा में कल जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बीच आरक्षण को लेकर के जो नोकझोंक हुई यानी बहस हुई, इसको लेकर के बीजेपी साफ तौर पे नीतीश कुमार के साथ साथ आरजेडी पर भी हमलावर है। उनका साफ तौर पे आरोप है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का हौर है, यानी उत्तराधिकारी बनने का जल्दबाजी है और इसीलिए ट्वीट कर करके नीतीश कुमार का समर्थन दे रहे हैं। कभी दलित के बयान का समर्थन दे रहे हैं तो कभी जो है महिला को लेकर के जो आपत्तिजनक बात कही गई थी इसका समर्थन दे रहे हैं। इसी पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके निशाना साधा है। पहले सुनिए कि विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। कि इन्हें बोलने का मौका दिया जाए, आवाज को दबाया जाता है, सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष की आवाज तो बोलने का अवसर ही नहीं देता है और उप मुख्यमंत्री जी को भी वही स्थिति में, और ये मुख्यमंत्री का जिस तरह के भाषा, ये पूरी तरह से घमंडिया जमींदारी मानसिकता का सूचक है। आज बिहार के अंदर जो जंगल राज का उत्तराधिकारी उप मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री को उत्साहित करते हैं कि आरजेडी आपके साथ है। महिलाओं पर भी उन्होंने ट्वीट करके उनके मनोबल को बढ़ाया। आज दलितों का अपमान करने पर भी उन्होंने कहा कि हम लोग आपके साथ हैं। अरे जंगल राज वाले, आप लोग इस मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जिनका मानसिक स्थिति गड़बड़ा गया है, क्या क्या गलत निर्णय कराना चाहते हैं और जल्द से जल्द उत्तराधिकारी बनने की बेचैनी बिहार को किस बर्बादी तक ले जाएगा, ये गंभीर संकट और गंभीर विषय खड़ा हो गया है। और ये मामला हर लोक सदन के अंदर जदयू के लोग भी चिंतित हैं। आपने देखा है कि विजय चौधरी जी बार बार उठ करके मना कर रहे हैं और उनको भी ठेल रहे हैं, बैठिए। एक संतुलित व्यवस्थित मानसिकता के लोग नहीं कर सकता। बिहार के अंदर ये बहुत गंभीर विषय है और इस तरह का घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री को इस पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो आपने सुना कि साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा नीतीश कुमार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी हमलावर है और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है। सहयोगी पिंटू के साथ संजीव सिंह, 1024 पटना।